Hey what's up guys, welcome back to another video। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वायरल माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। पर इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन की घंटी भी बजा देना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो पहले तो यहाँ पे मैंने जाके पूरा अपना नया वर्ल्ड बना दिया जहाँ पे मैं सारे अपने माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स करने वाला हूँ। तो हाँ, ये अभी हमारा वर्ल्ड होने वाला है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे हैक्स बनाएंगे और मतलब उस पूरे वर्ल्ड को पूरे टिकटॉक हैक्स से भरने वाले हैं। तो आज मैं बहुत सारे टिकटॉक हैक्स करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं, जो आप लोग सिर्फ एक मिनट के अंदर भी बना सकते हो। तो अभी हम लोग अपने सबसे पहले वाले टिकटॉक हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला टिकटॉक हैक बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो पहले तो हमको एक एनविल लेना है जो कि है ये, और उसके बाद हमको एक नेम टैग लेना है जो कि है ये। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे अपना एनविल लगा देते हैं यहाँ पे, और इसका मतलब बहुत जोर से आवाज आता है एकदम टंग करके। और यहाँ पे हम लोग अपना नेम टैग अंदर डाल देते हैं और हमको नेम टैग में एक जादुई मंत्र लिखना है। तो ये जादुई मंत्र का नाम होने वाला है डिनर बोन। तो हाँ, हमें बस यहाँ पे डिनर बोन लिखना है, और डिनर बोन लेते ही हमको ये नेम टैग ले लेना है। तो अभी हमारे पास डिनर बोन वाला नेम टैग आ चुका है, और इस वाले नेम टैग से हम लोग इस दुनिया के सारे प्राणियों को मतलब उल्टा कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इस शीप पे ट्राई करेंगे, इस शीप को मतलब हम लोग उल्टा करने वाले अभी। ठीक है, देखता है चलता है नहीं। ओ शीप कहाँ जा रही है, शीप रुक जा यहाँ पे, रुक जा। ठीक है, 1 2 3। ओ भाई भाई भाई, ये शीप उल्टी हो गई है, और ये उल्टी होके मतलब चल रही भी है, उल्टी होके घास खा रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग और भी शीप को उल्टी कर सकते हैं, इससे देखते चलो। शीप तू भी हो जा उल्टी, और ओ भाई ये भी उल्टी हो गई यहाँ पे। ओ यहाँ पे एक चिकन है, यहाँ पे एक चिकन है, हम लोग इस चिकन को भी उल्टा करके देखते, होता है नहीं। ओ भाई यहाँ पे चिकन भी उल्टा हो चुका है, अभी चिकन भी मतलब उल्टा होके चल रहा है यहाँ पे। मेरे को अभी ये घोड़े पे भी ट्राई करना है, और घोड़े पे भी ट्राई करके देखना है मुझे कि ये घोड़ा भी उल्टा होता है नहीं, और क्या हम इस घोड़े को उल्टा होके राइड भी कर सकते। तो ये ले घोड़े, उल्टा हो जा। और भाई यहाँ पे घोड़ा भी उल्टा हो चुका, और मतलब ये घास कैसे खा रहा है, इसका पूरा सर घास के अंदर ही चला गया है। और यहाँ पे और एक घोड़ा है, भाई घोड़े ये ले, तू भी उल्टा हो जा, तू भी उल्टे होके घास खा ले। तो अभी हम लोग ट्राई करते कि हम लोग इसको चला सकते हैं नहीं। तो पहले मेरे को लगेगा एक सैडल, और इस सैडल को हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं, नहीं पहले इसको टेम करना पड़ेगा। तो अभी ये घोड़ा टेम हो चुका, और इसके ऊपर मैंने ये सैडल भी डाल दिया। तो हम लोग इसके ऊपर बैठ के देखते, और ओ भाई ये घोड़ा उल्टा चल रहा है, और उल्टा होके मतलब दौड़ रहा भी है यहाँ पे। ओ भाई ये कितना फनी है, इससे फनी चीज मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में कभी देखा नहीं, एक उल्टे घोड़े के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ये इतना तेज दौड़ रहा कैसे है, मतलब इसके पैर मतलब ऊपर है, हम लोग इसके पैर के ऊपर बैठे और फिर भी ये इतना तेज जा रहा है। ये नेम टैग वाला हैक मुझे और भी लोगों पे ट्राई करना है, मेरे को यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स भी स्पॉन करने हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्रीपर्स और ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स पे भी ट्राई होता है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्रीपर, एक ज़ॉम्बी और एक स्केलेटन को स्पॉन करके देखते हैं, और इनके ऊपर ये नेम टैग डाल के देखते हैं। और ओ भाई ये यहाँ पे ज़ॉम्बी भी उल्टा हो गया, ये क्रीपर भी उल्टा कर देते हैं, और ये स्केलेटन भी उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे सब लोग उल्टे हो चुके, और यहाँ पे क्रीपर भी उल्टा हो चुका। और ये क्रीपर भाई कैसा लग रहा है तेरे को, मजा आ रहा है, अभी मार के दिखाना भाई, अभी कैसे मारेगा तू। और यहाँ पे और कोई एनिमल्स है जिन्हें उल्टा होना, ये ले भाई घोड़े तू भी उल्टा हो जा, यहाँ पे भी एक घोड़ा है तू भी उल्टा हो जा, और कौन है जिसको उल्टा होना है, ये ले भाई शीप तू भी उल्टी हो जा, काओ तू भी उल्टी हो जा, तू भी उल्टी होके चल। तो ये वाले माइनक्राफ्ट हैक से तो बहुत मजा आ गया, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले हैक की तरफ। तो गाइस आपने अपने लाइफ में एक आरजीबी पीसी देखा होगा, एक आरजीबी माउस भी देखा होगा, या फिर एक आरजीबी कीबोर्ड भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी एक आरजीबी शीप देखी है। तो आज हम लोग एक आरजीबी शीप बनाने वाले हैं जहाँ पे हम लोग किसी भी शीप पे जाके एक नेम टैग डालेंगे, और वो शीप अपना रंग बदलती रहेगी। पहले तो अपने को एक एनविल लगाना है, एनविल में जाके हमें एक नेम टैग से लिखना है JEB_ हाँ आई थिंक ये लिखना होता है JEB_। तो ये लिखने के बाद हम लोग अभी जिस भी शीप पर जाएगी वो शीप RGB हो जाएगी। ये देखो 1 2 3, और ओ भाई यहाँ पे शीप भी RGB हो चुकी है। भाई ये कितने ज्यादा रंग बदल रही है, देखो अभी ब्लैक, अभी ग्रे, अभी ब्लू, अभी पर्पल, अभी ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर रेड, मतलब बहुत सारे कलर्स बदलती है। हम लोग इस वाली शीप को भी रंग बदल देते हैं, और भाई ये भी शीप कितने जल्दी जल्दी यहाँ पे रंग बदलने लग गई। तो ये आई थिंक सिर्फ शीप पे ही चलता है, यहाँ पे ये चिकन पे नहीं चलता, और इस घोड़े पे भी नहीं चलता शायद। तो हाँ ये हैक करके भी बहुत मजा आया, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे हैक की तरफ। तो हमारे तीसरे हैक में हम एक बहुत ज्यादा कूल चीज करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक नेम टैग से एक रैबिट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक रैबिट स्पॉन कर देते हैं, और एक एनविल यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे हमको नेम टैग में एक छोटा सा जादुई मंत्र लिखना है, और वो मंत्र होने वाला है टोस्ट। तो हाँ अगर हमको यहाँ पे एक नेम टैग मिल जाएगा जिसको हम पे टोस्ट लिखना है, और ये टोस्ट हमको इस रैबिट पे डालना है, और देख सकते हो कि ये रैबिट मतलब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मतलब ऐसे कलर का रैबिट मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में कभी नहीं
देखा। तो अगर आप सर्वाइवल खेलते हो तो आपको बस जाके इस रैबिट को नेम टैग से टोस्ट लिख देना है और यहाँ पे पूरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर का रंग बिरंगी रैबिट बन जाता है। तो अभी हम लोग अपने चौथे हैक की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हैक होने वाला है। इस हैक का इस्तेमाल करके आप लोग अपने सीक्रेट बेस का एंट्रेंस बना सकते हो। तो ये ट्राई करने के लिए हमें पहले एक स्नो बायोम में जाना होगा। तो हाँ, आई थिंक ये वाली जगह ठीक रहेगी हमारा अगला हैक बनाने के लिए। हम लोग यहाँ पे स्नो बायोम में आ चुके हैं और यहाँ पे एक काव कैसे आ गई, ये काव को मैंने वहाँ पे नीचे उल्टा किया था और ये काव यहाँ पे ऊपर आ चुकी है डिनर बोन का नाम लेके। चलो सही है, मतलब यहाँ पे काव कहीं पे भी जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने इसको नेम टैग देके मतलब ऐसा उल्टा किया था। तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट हैक बनाने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत लगेगी जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग। तो हमको बस ये स्कैफोल्डिंग जैसा एक ब्लॉक लेना और यहाँ पे नीचे जरा सी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद हमको यहाँ पे सिर्फ स्कैफोल्डिंग मतलब लगाते जाना है ऊपर ऊपर और ऐसे लगाते लगाते हमको यहाँ पे पूरा टॉप पे आ जाना है, पूरा सरफेस तक आ जाना है। और यहाँ पे हमको एक और एक चीज लगेगी जिसका नाम है स्नो। हमको बस ये स्नो का ऐसा छोटा सा ब्लॉक लेना है और इसको इसके ऊपर डाल देना है और यहाँ पे हमारा मतलब सीक्रेट बेस का रास्ता मतलब ढक चुका है। यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलने वाला है कि यहाँ पे अपना रास्ता है सीक्रेट बेस का और मतलब मुझे भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे लगाया था। तो आपको बस जाके आपके स्नो ब्लॉक के बीचों बीच जाके खड़ा होना और फिर यहाँ पे जाके नीचे देख के क्राउश करना है। और हाँ, आप लोग यहाँ से अंदर पहुंच जाते हो और यहाँ पे अंदर आप लोग एक सीक्रेट बेस बना सकते हो। तो ये वाला हैक मतलब बहुत ईजी था और बहुत यूजफुल भी था, मतलब किसी को भी पता नहीं चलने वाला है कि यहाँ पे किसी का सीक्रेट बेस भी हो सकता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ हैक की तरफ। तो अगला वाला हैक बहुत ही ज्यादा कूल होने वाला है। मतलब मैंने इस हैक के बारे में जब पहली बार सुना था तब मैं बहुत शॉक्ड हो गया था, मतलब ये हैक मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है माइनक्राफ्ट में। तो ये हैक बनाने के लिए पहले तो आपको एक एनविल लगेगा और एक नेम टैग लगेगा जिसके अंदर आपको लिखना है जॉनी। फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक विंडिकेटर को स्पॉन करना है यहाँ पे और ये विंडिकेटर मतलब यहाँ पे पूरा ऐसा नमस्ते करके खड़ा हो जाएगा और इसको बस एक जॉनी का नेम टैग दे देना है और इसका नाम अभी जॉनी हो जाएगा। और इस बंदे को एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ एक एनिमल स्पॉन करना है फिर ये बंदा मतलब उस एनिमल को मारने वाला है सीधा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतने ज्यादा एनिमल स्पॉन कर दिए तो ये मतलब सीधा मारने ही चला आता है। हम लोग यहाँ पे और भी एनिमल स्पॉन करके देखते हैं कि ये मतलब कितने ज्यादा को मार सकता है। ओ भाई, ये बंदा यहाँ पे पागल हो चुका है, यहाँ पे सबके ही पीछे लग चुका है। मतलब देखो यहाँ पे इसने कितना सारा खाना बना दिया अपने लिए। तो हाँ, ये मतलब सभी से लड़ता है। मतलब हम लोग यहाँ पे एक क्रीपर भी स्पॉन कर दे तो ये क्रीपर से भी लड़ेगा, पर ये क्रीपर से लड़ेगा तो मर जाएगा। पर फिर भी हम लोग यहाँ पे क्रीपर को स्पॉन करके देखते और देखते कि ये इसको कैसे मारेगा। मेरे ख्याल से तो क्रीपर इसको एक सेकंड में फोड़ने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्रीपर को स्पॉन कर दिया और इसने क्रीपर को मार दिया है। भाई हम लोग एक काम करते हैं, दो दो क्रीपर को स्पॉन करते हैं तो देखते क्या करता है। ओ भाई, इसने दोनों क्रीपर्स को मार दिया है यहाँ पे। मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मतलब क्रीपर भी इसका कुछ नहीं कर सकता है। तो आज यहाँ पे हम लोग ने कुछ 5 माइनक्राफ्ट हैक्स किए थे और वो सारे के सारे माइनक्राफ्ट हैक्स बहुत ज्यादा यूजफुल थे और बहुत ज्यादा फनी थे। और फ्यूचर में भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे माइनक्राफ्ट हैक्स करेंगे और यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड को माइनक्राफ्ट हैक्स से भर देंगे। तो आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी भी बजा देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय।